संसार को सकार से ये सबसे बड़ा पुण्य है, जिसके जीवन में बहुत विघ्न आते हों, वे 10 मिनट रोज संसार को सकार देने लगे, वाइब्रेशन देने लगे, इस पुण्य से पाप हल्के हो जाएंगे, विघ्न हट जाएंगे। कई तरीके हैं सकार देने के, दो तरीके हम अपनाएंगे। इससे पहले कोई ये बात और सबके ख्यालों में हो, बाबा ने हम सभी के संकल्पों को, स्मृतियों को बहुत महान बनाया है और कहा, तुम सभी पूर्वज हो, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, जड़ें हो, तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की पूरे कल्प वृक्ष की पालना होती है। तो ध्यान दे, जड़ों के द्वारा भोजन पानी जाता है, हमारे द्वारा सृष्टि को शक्तियां, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, सुभावनाएं सब पहुंचते हैं। सालों में आ गया सबके, हमारी स्थिति केवल हमारे लिए नहीं, संसार के लिए वरदान है। अगर हम बहुत खुशी में रहते हैं तो खुशी की तरंगे को लेकर वृक्ष में रहती हैं। यदि हम बहुत पवित्र हो गए हैं तो पवित्रता का प्रकाश सारे धर्मों की आत्माओं तक पहुंचता है। यदि हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं तो सभी आत्माओं को शक्तियों के वाइब्रेशन मिलते हैं, बल मिलता रहता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको करने का सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? सबको पता है, इससे बड़ा काम चारों युगों में कभी नहीं कोई जानता न करता। इसलिए बाबा ने कहा, तुम पूर्वज हो। दूसरी बात भी ध्यान से सुन लेंगे, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका बल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। अब हम दो तरह से योग अभ्यास करेंगे। पूर्वज बनकर पहला ग्लोब के ऊपर बैठेंगे, ग्लोब माना धरती का गोला, जैसे श्री कृष्ण बैठे हैं ना धरती के गोले पे, हम तो धरती पर वैसे बैठे हैं। अब चित्र बनाएंगे, मैं धरती के गोले के ऊपर उसे ग्लोब कहते हैं, ठीक है? याद रहेगा, मैं ग्लोब ही बोलूंगा और सभी ग्लोब पर बैठेंगे। ग्लोब पर बैठने का अर्थ है हम ग्लोब के मालिक, संसार के मालिक, सिवा सिर के ऊपर छत्र छाया, प्रणाम से नीचे आकर बाबा इधर आ गए, छत्र बन गए, किरण ऐसे कर रहे, दूर तक कर रहे, नीचे कर रहे, उनकी किरणें मुझ में भी समा रही हैं, सारे संसार संकल्प करते हैं, मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूं, इन शक्तियों की किरणों से सभी के दुख समाप्त हो जाए, संसार का हर प्राणी सुखी हो जाए, उनके विघ्न नष्ट हो जाए। दूसरा अभ्यास, ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, जड़ ऊपर बीज के ऊपर नीचे फैला हुआ है। हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं हरिष्ठा, मैं पूर्वज, ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, कहां बैठेंगे?
संकल्प करेंगे भगवत की किरण मुझ में सनातन नीचे को लेकर वृक्ष में चल रही है। चले सभी गए हैं ग्लोब के ऊपर, चित्र बनाए अपना अपना बिल्कुल अकेले। मैं पूर्वज मास्टर सर्व शक्तिवान मास्टर दुख करता सुख करता हूं, विघ्न विनाशक हूं, लाइट हाउस माई हाउस सर्वशक्तिमान शिव बाबा परम धाम से नीचे उतर रहे हैं। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे मेरे सिर के ऊपर बाबा की शक्तियां सारे संसार में कर रही हैं। संकल्प करें सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाए, सभी सुखी हो जाए, सबके विघ्न नष्ट हो। ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ में मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पूर्वज हूं, परिधाम से बाबा की पवित्र किरणें उस पर पड़ रही है।
आज ये पवित्र मुझ में समाकर नीचे कर रही है, सभी धर्मों को जा रही है, कल्प वृक्ष की एक एक शाखा एक एक पत्ते तक पहुंच रही है। Oh, sorry.